केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पिछले 7 दिनों में 80 जिलों में नहीं आया है कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला। पिछले 2 दिनों में संक्रमण के दोगुनी होने की अवधि 10.9 दिन हुई। कहा, देश में पीपीई किट्स का निर्माण हो चुका है शुरू। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 22,000 से ज्यादा, अब तक 937 लोगों की मौत, 7,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से की चर्चा। कहा, इन देशों के साथ मजबूत सहयोग से संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मिलेगी मदद। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 31 लाख से ज्यादा, मरने वालों का आंकड़ा 2,16,000 के पार। अमेरिका में 58,000 से ज्यादा की मौत, स्पेन, इटली और फ्रांस में भी सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में वो। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आगामी शुक्रवार से टेक्सास में व्यापार को चरणों में खोलने की घोषणा की। कहा, कई राज्य व्यापार को सुरक्षित और जल्द खोलने की ओर बढ़ रहे हैं। अन्य खबरों में, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, इस साल गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को मिड डे मील या इसके समकक्ष खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, इससे लगभग 11.5 करोड़ बच्चों को मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं लौटाने वाले, खराब ऋण और राइट ऑफ पर कर रही है गुमराह। कहा, विलफुल डिफॉल्टर्स को यूपीए के फोन बैंकिंग से मिला लाभ। मोदी सरकार विलफुल डिफॉल्टर्स की रिकवरी सूट और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या के मामलों में 18,330 करोड़ की कर रही है कुर्की और बरामदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, मैं हूं आंचल गुराटी गुंबर। और खबरों की शुरुआत करने से पहले एक आह्वान, एक अपील इस मंच के माध्यम से कि आप लोग घर पर रहें, स्टे होम स्टे सेफ, ताकि कोविड-19 की इस चेन को तोड़ने में हमें कामयाबी मिले। और आइए अब रुक कर लेते हैं समाचारों का। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,594 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस के कुल 29,974 मामले अब तक सामने आए हैं। इनमें से 22,010 सक्रिय मामले हैं, जबकि 7,026 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या और इस महामारी से मौतों की संख्या के मामले में दुनिया के उन 20 देशों से भारत काफी बेहतर स्थिति में है, जहां की कुल आबादी भारत के बराबर है और जो कोरोना से प्रभावित ज्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आंकड़ों के हिसाब से अभी देश में कोविड रिकवरी रेट करीब 23.3% है, जो बेहद उत्साहजनक है। कोविड-19 के मामले दोगुने होने की दर अब 10.2 दिन हो गई है। देश भर में लॉकडाउन के दौरान भी जनता को मुश्किल कम से कम हो, इसे लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं, वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 4 बार संवाद भी कर चुके हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अहम बैठकें की। विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों में विभिन्न कार्यों की समीक्षा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और संबंधित विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ कोविड-19 निगरानी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत आने वाले स्वायत्त संस्थानों और PSU के साथ भी बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में पिछले 14 दिन में कोरोना के मामले दोगुने होने की दर 8.7 दिन है। अगर पिछले 7 दिन की स्थिति देखें तो दोगुने होने की दर 10.2 दिन है। वहीं पिछले 3 दिन में मामले दोगुने होने की दर 10.9 है।
So there is a doubling rate, which is a very significant and powerful indicator of how the things are happening. So pre-lockdown, you know, our doubling rate of cases was around 3 days. But when I talk to you today, for the last 14 days, our doubling rate had been 8.7. And for the last 7 days, it had been 10.2. And today, for the last 3 days, when we calculate, it is roughly 10.9. So I think that's a very, very significant progress. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मई में आरटीपीसीआर एंटीबॉडी किट का उत्पादन शुरू हो जाएगा. आईसीएमआर से मंजूरी के बाद उत्पादन शुरू होना है. उन्होंने कहा कि 31 मई तक प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य है. सब चीजें एडवांस्ड स्टेज में है. बहुत जल्दी आईसीएमआर की क्लियरेंस होते ही विद इन ए वीक वो सब चीजें प्रोडक्शन स्टेज में चली जाएंगी. जैसा कि हमारा टारगेट है कि 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट देश में करना चाहते हैं हर रोज. उस टारगेट को अचीव करने में भी ये डेवलपमेंट हमें बहुत मदद करेगी. केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के साथ संवाद किया. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें काफी अच्छा काम कर रही हैं. वर्क फ्रॉम होम सफल रहा है और इसे और प्रोत्साहित किया जा रहा है. वर्क फ्रॉम होम नॉर्म को और हमको पॉपुलराइज करना है. तो इसके लिए आपको मालूम है रिस्ट्रिक्शंस काफी होते हैं. 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट होता है, क्लियरेंसेस होता है. तो उसको हमने कोरोना के आने के बाद रिलैक्स किया था. अभी तक वो 30 अप्रैल तक रिलैक्स था. हमने ये फैसला किया है कि अब ये 31 जुलाई तक रिलैक्स रहेगा. टू फर्दर प्रमोट द वर्क फ्रॉम होम नॉर्म्स. और मैं ये अपने प्रेस मित्रों को बता दूं कि लगभग जो नैसकॉम से हमें मालूम हुआ है कि 85% ऑफ इंडियाज आईटी वर्क इज डूइंग ए गुड जॉब वर्क फ्रॉम होम इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग फ्रॉम आउटसाइड. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध कारखाना बोर्ड के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. राजनाथ सिंह ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ उनके योगदान की भी समीक्षा की. वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ बातचीत की. बातचीत के दौरान मिड डे मील, समग्र शिक्षा आदि मुद्दों पर भी चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से कहा कि CBSE और NCERT का पाठ्यक्रम एक पोर्टल में मौजूद है, राज्य इसका फायदा उठाएं. CBSE NCERT का पूरा पाठ्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर आपको मिल जाएगा. एक राज्य को छोड़कर के देश के सभी राज्यों ने दीक्षा पोर्टल पर अपने को जोड़ा है और वो विद्यादान वन करके हम लोगों ने इसको शुरू किया था. और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से हम पूरे देश के छात्रों को दे पा रहे हैं. इसके अलावा सरकार के दूसरे मंत्रालयों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों के साथ विचार विमर्श हो रहा है और विभागों की बैठकों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भरपूर उपयोग किया जा रहा है. न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज. और कोविड-19 पर तारास्थिति के लिए हम बात कर लेते हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह से. नितेंद्र, जिस तरह से हम जानते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसके जो तमाम विभाग हैं वो किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जान पा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है कोविड-19 को लेकर, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच का सामंजस्य कोविड-19 पर विजय पाने के लिए लगातार कारगर कदम उठाता हुआ. देखिए, सभी मंत्रालय सभी विभाग सुचारू रूप से काम करें, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान और भी गतिविधियां होना जरूरी है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, उनके एग्जाम्स हो या फिर बाकी और भी गतिविधियां. तो इस वजह से जितने भी मंत्रालय हैं उनके मंत्री अपने अपने संबंधित विभाग के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस चीज को जितना ऑनलाइन प्रोत्साहन मिल सके, डिजिटल के द्वारा कैसे उसको प्रोत्साहन मिल सके और वो काम आगे चल सके, इसको लेकर के हर मंत्रालय अपने अपने विभाग की तरफ से और संबंधित राज्यों से के जो विभाग है उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि वो भी काम आगे बढ़ता रहे. क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है, बाकी दूसरी भी चीजें हैं जिनको आगे बढ़ाना जरूरी है, चाहे इकोनॉमी का मामला हो या फिर बाकी दूसरी चीजें, वो भी साथ साथ आगे बढ़ता रहे. और जितना ज्यादा हो, चाहे वो IT सेक्टर हो, जो वर्क फ्रॉम होम के प्रोत्साहन देने की बात हो, ये तमाम चीजें आगे
फ्यूचर में इसको कैसे प्लान करना है, ये सब आगे चलता रहेगा। अगर मान लिया लॉकडाउन रिलैक्स भी थोड़ा सा होगा और बाद में पूरा रिलैक्स होगा, तब भी कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, इस तरह की भी प्रोविजन किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों की जो पढ़ाई है उनके एग्जाम से कैसे उनको अपग्रेड किया जाएगा, जो बच गए हैं एग्जाम्स उनको कैसे लिया जाएगा, इसको लेकर के एचआरडी मिनिस्ट्री भी तमाम राज्यों के संपर्क में। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि आगे आने वाले दिनों में कैसे इसको स्मूथली किया जाए, और इस वजह से सभी मंत्रालय अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और साथ ही नितेंद्र, जिस तरह से अब हम ये भी खबर देख पा रहे हैं कि कोविड 19 की अगर हम बात करें तो जो रिकवरी रेट है वो भी 23.3% है, जो बेहद उत्साहजनक है। और अगर हम इसकी तुलना करें उन अन्य देशों से जहां पर जो स्थिति है भारत की, वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर है जब हम इस जंग को जीतने की बात करते हैं। जी बिल्कुल, भारत की स्थिति बेहतर है। बेहतर इसलिए भी है क्योंकि जो सरकार के गाइडलाइन है उसका पालन लोग कर रहे हैं, लोगों में ये जागरूकता बढ़ी है, और जिस तरीके से जब जब लोग पॉजिटिव हुए और उसके बाद क्वारंटाइन किए गए और कई लोगों ने कोविड से केयर सेंटर में हॉस्पिटल्स में एडमिट है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। ठीक होने का दर 23.3 है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन इसकी जो संख्या वो भी बढ़ रही है। कारण ये है कि जो जो लोग शुरू शुरू में संक्रमित हुए थे उनका रिकवरी का टाइम अब पूरा हो रहा है और ये संख्या और बढ़ेगी। अगर मान लिया हम एग्जाम्पल दें कि अगर एक दिन में 100 आदमी एडमिट हुए या फिर कोविड केयर सेंटर में गए, तो 14-15 दिन बाद जब उनकी निगेटिव रिपोर्ट आ रही है तो वो उतनी ही संख्या में ठीक हो रहे हैं। किसी दिन मान लिया अगर 500 आदमी एडमिट हुआ तो उसी रफ्तार में अगले 14-15 दिन में वो ठीक हो रहे हैं, तो इस तरह से वो संख्या बढ़ता ही जाएगा। और ये अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि 80% ऐसे आदमी जिनको माइल्ड सिम्टम आता है और उनको एक कुछ दिन के एक तरह से केयर में रखने के बाद वो ठीक हो जाते हैं, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, तो इस तरह की संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत ही उम्मीद की बात है और लोगों में एक तरह से अच्छा संदेश भी जाएगा कि अगर आप डॉक्टर्स की सलाह को मानेंगे तो आप जल्द से जल्द ठीक होंगे। और भारत निश्चित तौर में बेहतर स्थिति में इसलिए भी है क्योंकि भारत ने बहुत समय से पहले उन ऐतिहासिक कदमों को उठाया है जिसके जरिए एक तो डिले किया गया वायरस को कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संक्रमण न फैले, और जो लॉकडाउन और स्टे होम की जो स्टेप उठाए गए और लोगों ने उसका बहुत बढ़ चढ़ करके पालन किया। अगर लोगों का सहयोग न मिलता तो शायद इतनी बड़ी सफलता न होती, और लोग उस नॉर्म्स को पालन कर रहे हैं। अगर कोई निकल भी रहा है घर से तो निश्चित तौर पर मास्क लगा के निकल रहा है, और यही हमको आगे भी आने वाले दिनों में अपने जीवन में भी अपनाना है कि हैंड वॉशिंग करें और साफ सफाई रखें। 3 से 6 फीट के अब तो 2 गज दूरी की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि 2 गज दूरी बना के रखना है, और वो तमाम दिशा निर्देश का लोग पालन कर रहे हैं जिसके वजह से ये सब रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जो लॉकडाउन है उसका पालन बेहद जरूरी है, और अगर हम उसका पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोविड-19 को भारत से बाहर खदेड़ने में कामयाबी हासिल कर ही लेंगे। रुक करते हैं अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से बात की और कोविड-19 की महामारी पर चर्चा की। ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा कि करीबी समुद्री पड़ोसी और व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत और इंडोनेशिया का सहयोग इस संकट से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं इस वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने इस खतरनाक वायरस के बारे में कनाडा में अपने समकक्ष जस्टिन ट्रूडो से बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को कनाडा में रह रहे भारतीयों की अच्छे से देखभाल के लिए धन्यवाद दिया और महामारी से लड़ने के लिए कनाडा के साथ ही सहयोग की आवश्यकता पर जोर भी दिया है। कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए संकट को देखते हुए सरकार इस साल गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूली बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध करवाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील या इसके समकक्ष खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। इससे मिड डे मील योजना के तहत
पात्र बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी प्रतिरक्षा क्षमता सुरक्षित रहे। इससे देश भर के करीबन 11.34 लाख स्कूलों से कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले लगभग 11.5 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार इसके लिए लगभग 958 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि और 3 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध करवाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देशवासियों से गरीब परिवारों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए कहा था। ऐसे में सरकार का ये निर्णय उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। रूस की पहल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया और साथ ही ये बैठक कोविड-19 महामारी संकट की पृष्ठभूमि में बुलाई गई थी। बैठक में कोविड-19 के प्रभाव और इस मुद्दे पर ब्रिक्स देशों द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आरोग्य सेतु नागरिक ऐप और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से इस महामारी के मद्देनजर भारत द्वारा शुरू की गई पहल और विभिन्न निर्णायक कदमों को सबके सामने रखा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों को दक्षिण एशिया में समन्वित प्रयासों के जरिए कोविड-19 से निपटने की पहल और सार्क देशों द्वारा कोविड-19 आपातकालीन कोष का निर्माण के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को मान्यता देने की बात कही गई है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य अधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 मई को कोविड-19 पर चर्चा की जाएगी। जर्मनी में आयोजित 11वें पीटर्सबर्ग क्लाइमेट चेंज डायलॉग को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से मंगलवार को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड की तरह ही जलवायु परिवर्तन के लिए पूरी दुनिया को एकजुटता दिखानी होगी। इसके लिए पर्यावरण मंत्री ने 2 मंत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर जोर देना होगा जो सबके लिए उपलब्ध हो और क्लाइमेट फाइनेंस के तहत $1 ट्रिलियन की व्यवस्था विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए उपलब्ध करानी होगी, तभी इस समस्या से लड़ने में मदद मिलेगी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या 2,16,930 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों की वैश्विक संख्या 3 लाख के आसपास, जिनमें से करीबन 9 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दुनिया में अमेरिका कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां कोविड-19 से जो मरने वालों की संख्या है वो 58,351 हो गई और जो कुल संक्रमित हैं उनकी संख्या 1,11,877 के आसपास है। इनमें से 1,12,315 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं इटली कोविड-19 से दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। यहाँ करीबन 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं जिसकी पुष्टि की गई, जबकि 68,941 लोग इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। इटली में इस वायरस से एक दिन में मरने वालों और नए मामलों की संख्या और बढ़ गई। इटली में मंगलवार को 382 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई। 2,091 नए मामले सामने आए, साथ ही सोमवार को 333 लोगों की जान गई और करीबन 1,700 से ज्यादा नए मामले मिले। इटली में कोरोना वायरस से अब तक करीबन 27,350 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस में अनिश्चितकाल के लिए स्कूल, कॉलेज और कैफे जैसे स्थानों को बंद नहीं किया जा सकता। हालात बिगड़ते हैं तो हमारे पास निपटने के साधन हैं। वायरस के दूसरे दौर की आशंका है, हम एहतियात के साथ जीना सीख रहे हैं। ज्यादा लंबा लॉकडाउन रहा तो अर्थव्यवस्था को नुकसान का खतरा है। ये वो समय है जब हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा हो जाए, जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करे। फ्रांस में कोरोना वायरस के करीबन अगर हम संक्रमित लोगों की बात करें तो वो 1,65,000 से ज्यादा है। वहीं 23,694 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं अगर ब्राजील की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका देश ब्राजील में कोरोना वायरस महामारी से काफी खराब हालात हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के कारण मरने वालों की जो संख्या है
वो 5,000 को भी पार कर गई और साथ ही उन्होंने चीन के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। गौरतलब है कि ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 474 मौतें दर्ज की गईं, वहीं इस संक्रमण की संख्या बढ़कर 71,886 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संभावना व्यक्त की है कि मरने वालों की संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि मंगलवार को आधिकारिक आंकड़ा 5,107 और अब था और अभी 1,156 लोगों की मौत होने के कारणों की जांच चल रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 12 से 15 गुना अधिक हो सकती है, क्योंकि 210 मिलियन वाली आबादी वाले देश में कोरोना की जांच की कमी को साफ देखा जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के शीर्ष 50 कर्जदारों की सूची के संबंध में कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कांग्रेस के आरोपों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तथ्यों को सनसनीखेज बनाकर लोगों को गुमराह कर रही है। सीतारमण ने कहा कि 2009 से 2010 और 2013 से 2014 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने करीबन 1400 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि को राइट ऑफ किया था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एनपीए के लिए आरबीआई से नियम तय किए गए हैं, इनके अनुसार ही बैंक एनपीओ को राइट ऑफ करते हैं, लेकिन आधार उधारकर्ता से वसूली की कोशिश जारी रहती है, कोई ऋण माफ नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने कहा था कि 2006 से लेकर 2008 की अवधि में बड़ी संख्या में कर्ज दिए गए, रिजर्व बैंक तब कर्ज देने की गुणवत्ता के बारे में आवाज उठा सकता था। वित्त मंत्री ने भगौड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। नीरव मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि उसकी 2,787 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति संलग्न है और जब्त कर ली गई। इस समय नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में है। वहीं मेहुल चोकसी के मामले में 1,936.95 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी है और एंटीगुआ को प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा गया। इसके साथ ही भगोड़े अपराधी के रूप में मेहुल चोकसी की घोषणा के लिए सुनवाई जारी है। मुजमाला के मामले में सीतारमण ने कहा कि उसे भगोड़ा अपराधी घोषित करार कर दिया गया है। भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध पर ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भी प्रत्यर्पण का फैसला सुनाया। माल्या की संपत्तियों को भी अटैच और जब्त कर लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार विलफुल डिफॉल्टर्स और भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ शुरुआत से ही कड़े कदम उठा रही है। और इसी बुरे मामले पर ज्यादा बातचीत के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्रा। अजय, तो किस साफ तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस ने जो भी सनसनीखेज आरोप विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर सरकार पर लगाए उसे सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, कल जो कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं साकेत गोखले, उन्होंने आरबीआई के पास एक आरटीआई दाखिल की थी जिसमें पूछा गया था कि 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के हमें नाम बताइए और क्या खिलाफ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी दी जाए। उसमें आरबीआई ने ये एक लिस्ट सौंपते हुए उस आरटीआई का जवाब दिया था, उसी को आधार बनाते हुए कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सरकार पे आरोप लगाया कि जो आरबीआई है उसने करोड़ों रुपए जो विलफुल डिफॉल्टर्स के हैं उसको माफ कर दिया है और उसमें बीजेपी के कई दोस्त शामिल हैं और बाकायदा नाम लिया कि उसमें नीरव मोदी, राहुल और जो मेहुल चौकसी हैं वो बीजेपी के मित्र हैं और इसलिए उनको उनको रियायत देते हुए आरबीआई ने इन बैंकों को ये इन डिफॉल्टर्स की कर्ज की माफी का फैसला लिया है। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं वो बिल्कुल भ्रामक थे और इसी का जवाब देने के लिए वित्त मंत्री ने ट्वीट का सहारा लिया। करीब 10:30 रात के बाद ये सीरीज ऑफ ट्वीट किए गए जिसमें ये बताने इसमें स्पष्ट तौर पर जिसका जिक्र आपने अभी अपनी स्टोरी में किया कि वित्त मंत्री ने बताया कि ये पहली बात तो ये कोई लोन माफी नहीं है, इसको राइट ऑफ कहते हैं और ये आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक किया जाता है और इसकी रिकवरी भी होती है। तो एक तरह से जो राजनीति हो रही है जिसमें कांग्रेस ये कह रही है कि बड़े लोगों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं और कोविड 19 के रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के पैकेज जो स्टेट्स के हैं वो वित्त मंत्रालय जारी नहीं कर रहा है, तो इसका इस राजनीतिक एक तरह से आरोप का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने इनको पूरी तरह से खारिज किया है और ये कहा है कि ये पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और सभी जो
मंत्री हैं उनको भारत वापस लाने की भी कोशिश की जा रही है। तो अगर तीनों मामलों की बात करें तो करीब 3500 से ज्यादा FIR किए जा चुके हैं, करीब 10,000 रिकवरी सूट्स फाइल किए जा चुके हैं, और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जो ये तीन बड़े नाम हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनसे 18,332 करोड़ रुपए वसूले गए जा चुके हैं। तो बाकायदा तथ्यों के आधार पर कांग्रेस के जो भी आरोप है वित्त मंत्री ने कल रात में ट्वीट के जरिए इसको खारिज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं हिसार की। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ जो प्रवासी कामगार रह रहे हैं उनके लिए रैन बसेरों को बनाया है, जिसमें सरकार द्वारा सारी सुविधाएं देने के साथ साथ योग और समय के सदुपयोग के लिए कौशल विकास के तहत कई गुण सिखाए जा रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन के चलते हरियाणा के हिसार में अलग अलग राज्यों के कामगारों को रैन बसेरों में रखा गया है, जहां पर सरकार के द्वारा उनकी देखभाल की जा रही है। डीडी न्यूज से खास बात करते हुए हिसार की जिला उपायुक्त ने कहा कि इन केंद्रों पर सभी प्रकार की सुविधा दी जा रही है और साथ ही कौशल विकास के तहत अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में नई जानकारी के साथ साथ ये लोग आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। उनके लिए अच्छा खाना पीना और उनकी सेहत के लिए योगा की शुरुआत की गई, और इसके पश्चात जैसे पूरे दिन भर उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पे टीवी स्क्रीन्स भी लगाई गई, और फिर भी ये देखा गया कि कुछ लोग तो फिर भी बोर हो जाते हैं, पूरा दिन भर उनके पास करने के लिए कुछ कार्य नहीं होता, और ये जो खाली समय है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज करके अपने स्किल को बढ़ा रहे हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी इन्हें कुछ ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये आगे आने वाले समय में अपने जीवन में जिस भी रोजगार में ये काम कर रहे हैं उसमें उसको यूज़ कर सके। इन रैन बसेरों में रह रहे प्रवासी कामगारों को मिल रहे प्रशिक्षण से वे काफी खुश नजर आ रहे हैं, और उन्होंने माना है कि इस प्रशिक्षण से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बहुत चीजों के बारे में बताया गया है यहाँ पर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, प्लम्बिंग के बारे में, और हमें यहाँ सुबह योग साधना भी सिखाई जाती है, और बहुत अच्छे से हमको यहाँ पर रखा गया है, और प्रशासन भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी हमें सुविधा दी जा रही है, हमें कोई भी चीज़ की यहाँ पर कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही। ये जीवन में से आप जियेंगे तब तक ही हमारे जो योगा है ये काम आएगा, और इससे हमारे शरीर का संतुलन भी ठीक रहता है। प्रशिक्षण दे रहे ITI के प्रशिक्षकों का कहना है कि ये अप्रवासी कामगार पूरी तन्मयता से हुनर सीख रहे हैं। हम लोग इनको यहाँ फ्रिज, AC, इलेक्ट्रिशियन का कार्य सिखा रहे हैं, और ये बच्चे भी जो यहाँ लॉकडाउन में फंसे हुए हैं बड़े आसानी से टाइम समय निकाल करके सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ रैन बसेरा में अलग अलग राज्यों के लगभग 80 कामगार रखे गए हैं, जिसको प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल, बढ़ई सहित कई अन्य प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इन कामगारों द्वारा यहाँ सीखे हुनर से अपना भविष्य संवारने में इन्हें जरूर लाभ मिलेगा। पंकज शर्मा के साथ उर्मिलेश भट्ट, DD न्यूज हिसार। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।